शॉपसी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज दोस्तों आप लोगों ने तो ये बहुत ही सुना होगा कि अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग से हम लोग बहुत ही पैसे को अर्न कर सकते हो। बट दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाले शॉपसी के बारे में, कि शॉपसी की मदद से आप लोग पर ऑर्डर पर प्रोडक्ट आप 1000 से 5000 रुपीज़ तक कैसे अर्न कर सकते हो। इसका मतलब कि मंथली का 30,000 to 50,000 बहुत ही आसानी से। तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट। शॉपसी, तो दोस्तों अगर बात करें कि शॉपसी है क्या, तो शॉपसी एक फ्लिपकार्ट का ऐप है जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, जो कि फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को सेल या बाय करके अर्न करना चाहते हैं, लाइक अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके इंस्टेंटली अर्निंग कर सकते हो, एंड दोस्तों किस तरह से वो अर्न प्राइस को आप अपने अकाउंट में बहुत ही सिंपली से ट्रांसफ़र कर सकते हो और विथड्रॉल कर सकते हो। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे शॉपसी के एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों आप आ चुके हो देख सकते हो शॉपसी ऐप के अंदर। तो दोस्तों ये है कुछ इंटरफेस शॉपसी ऐप का। अगर आपके पास शॉपसी ऐप नहीं है, आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो सिंपली से आप प्ले स्टोर पर जाके शॉपसी लिख के और उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे बात करें कि शॉपसी पे हम लोग पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट को सेल या बाय करके, मतलब यहाँ से बाय करके और दूसरे को सेल करके। तो सिंपली से उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है बैक जाके दोस्तों सिंपली से आपको करना है फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करते ही दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट को आप बाय करना चाहते हो, मतलब यहाँ से खरीद के कहीं पे सेल करना चाहते हो, उसे आप पहले ओपन कर लो। मान लो कि यहाँ पे मैं ये पोको X3 प्रो ख़रीदना चाहता हूँ, तो सिंपली से कर देना है इसे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में आपको ऑप्शन मिल रही है ऐड टू कार्ट, यहाँ से सिंपली से कर देना ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करते सिंपली से दोस्तों आपको फिर चले जाना है बैग बैग जाके फिर से री ओपन करना है शॉपसी ऐप को। शॉपसी ऐप को री ओपन करते ऊपर में आपको यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन मिल रहा है टॉप राइट साइड में, तो सिंपली से कर लेना है इसे क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक से जो भी आपके पास फ्लिपकार्ट में लॉग इन है ऑटोमेटिकली सारा डिटेल आपके पास यहाँ पे इस शॉपसी ऐप में आ जाएगा, बिकॉज दोस्तों ये फ्लिपकार्ट का ही एक ऐप है शॉपसी। तो दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे फ्लिपकार्ट ऐप पे पोको X3 प्रो को ऐड टू कार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली से यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट करना क्या है, दोस्तों सिंपली से हमें कर देना है प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर करते ही दोस्तों ऑटोमेटिक से आपके पास जो भी आपके फ्लिपकार्ट ऐप पे एड्रेस था, तो ऑटोमेटिक से ये फीच करके आपके इस ऐप में भी आ जाएगा। सारा डाटा जो भी आपके फ्लिपकार्ट में है वो ऑटोमेटिकली से इस ऐप में आ जाएगा। तो सिंपली से आपको करना क्या है, सिंपली से डिलीवरी हेयर अपना जो भी अपना जिसे बेचना चाहते हो डायरेक्टली से आप यहाँ पे उसका यहाँ पे कस्टम ऐड कस्टमर करके वहाँ उसका लोकेशन या एड्रेस को आप डाल के डायरेक्टली से उसे सेलेक्ट करके डिलीवरी हेयर को क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से चार्ट बन के आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बात करें को आपकी अर्निंग कितना है इसमें से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली से आपको दिख रही है अर्निंग ऑन दिस आइटम यहाँ पे 50 रुपये। तो इस प्रोडक्ट से आपको यहाँ पे अगर इसे सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया गया, तो उसके बाद आपको ये 50 रुपीज़ आपके अकाउंट में आपके इस वॉलेट में आ जाएगा। और यहाँ से चलिए आगे मैं ये भी बताऊँगा अर्न मनी को आप यहाँ से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सिंपली से आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे आप डिलीवरी कर सकते हो। यहाँ पे बात करूँ पेमेंट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिल रहा है, एंड दोस्तों आप किसी से UPI वैलेट, किसी नेट बैंकिंग, EMI तक आप यहाँ पे अवेलेबल है, उससे भी ले सकते हो। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूँ कि ये जो आपने अभी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहे हो, इस प्रोडक्ट का अमाउंट जो है जितना भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है अर्निंग हो रहा है वो कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो सिंपली से मैं बता दूँ कि इसका एक रिटर्न पॉलिसी होता है, रिटर्न पीरियड होता है, अगर रिटर्न पीरियड क्रॉस कर गई तो ऑटोमेटिकली से जितना भी आपका अर्निंग हो रहा है वो आपके अकाउंट में चली जाएगी, वहाँ से आप सिंपली से उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से अर्न हुआ मनी जो भी हम अर्न किए हैं इस शॉपसी ऐप पे, उसे हम किस तरह से अपने अकाउंट पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने अर्निंग को देखने के लिए सिंपली से यहाँ पर आप देख सकते हो
राइट साइड के सबसे डाउन साइड में आपको यहाँ पे अकाउंट शो हो रहा है, तो सिंपली से करना है इसे क्लिक। इसे क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हो माई अर्निंग, तो माई अर्निंग को करोगे क्लिक, क्लिक करते यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने अभी तक एक भी पैसे को, एक भी रुपये अर्न नहीं किया, बिकॉज मैंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको जैसे यहाँ पे आप जितना भी पैसे को अर्निंग करोगे तो यहाँ पे आपका टोटल डिपॉजिटेड लिखा जाएगा। मान लो अभी उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, तो वहाँ पे 50 रुपीज़ जो अर्न हुए है वो यहाँ पे सिंपली से आ जाएगी। एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, आफ्टर जब उसका रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न पीरियड जब क्रॉस हो जाएगी उसके बाद ही मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगी, उससे पहले नहीं होगी। अब बात करें कि किस तरह से हम उसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हो ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, करना इसे सिंपली से क्लिक। और इजीली से यहाँ पे दोस्तों सभी एड्रेस को जो भी है इसे सब कुछ बिलिंग एड्रेस वगैरह को भर देना है, और ऑटोमेटिकली से आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। एक बात और मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपीज़ से निकाल सकते हो, कम से कम 100 रुपीज़ के बाद ही आप निकाल सकते हो। 100 रुपीज़ से अगर नीचे रही 99 भी तो आप नहीं निकाल सकते हो, मिनिमम 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में रहना चाहिए। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, किसी तरह से आपकी हेल्प करती होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो इसी तरह से आपके लिए दोस्तों मैं आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाते रहूँगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में अगली बार।